Hello students, this is Sudhir Shukla. Today we are going to cover topic pulse compression. This is a topic in our radar engineering subject, pulse compression. Okay, so today we will discuss about this topic, pulse compression. Here I have drawn a block diagram for that pulse compression technique, and few of the points I have mentioned which we will discuss. Okay, starting from the first point, a short pulse has a wide spectral bandwidth. A long pulse can have the same spectral bandwidth if it's modulated in frequency and phase. This is what about the spectral bandwidth. We will discuss all the points. Okay, so dusra point hum dekhenge, the modulated long pulse with its increased bandwidth is compressed by the matched filter of the receiver to a width equal to 1 by b. This b is nothing but the bandwidth of that pulse with equal to 1 by b. This process is called as a pulse compression. So, jo maine ye padha, in points ko padha. Now, I will let you know what this point actually means. So, dekhiye. यहाँ पे जो पल्स कंप्रेशन की हम बात करते हैं, तो पल्स कंप्रेशन जैसे नाम से ही हमें है कि एज अ नेम सजेस्ट कि जहाँ पे पल्सेस को कंप्रेस किया जा रहा हो, ठीक है, तो कंप्रेस किया जा रहा हो मतलब कि अगर हमें कंप्रेस, देखिए पल्स कंप्रेस करना मतलब क्या, उसके विथ को हम रिड्यूस कर रहे हों कहीं ना कहीं, तो वही आपका क्या बनता है, पल्स कंप्रेशन बनता है. क्या इसकी ज़रूरत है, हम क्यों मूव कर रहे हैं कि हम जो है उसके विथ को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, वो विथ जो है वो क्यों रिड्यूस की जा रही है, तो क्या क्यों या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या जो हमारी पल्सेस थी क्या उनमें जो है वो फीचर्स नहीं थे कि हम कंप्रेस करने के लिए हम स्विच किए, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए कि हमने कहा कि जो ये पल्स कंप्रेशन है ये कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ पे लॉन्ग पल्सेस जो हैं, ठीक है, उनको हम कंप्रेस कर रहे हो किस में, शॉर्ट पल्सेस में. लॉन्ग पल्सेस जो हैं उनको हम कंप्रेस किस में कर रहे हैं, शॉर्ट पल्सेस में कंप्रेस कर रहे हैं. तो अब देखिए, तो हम जानेंगे कि अगर हम शॉर्ट पल्सेस में कंप्रेस कर रहे हैं तो इन शॉर्ट पल्सेस की क्या कैपेबिलिटीज है, पहले हम जानेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग पल्स से कंप्रेस कर रहे हैं शॉर्ट पल्स में, तो हम इसके फीचर्स जानेंगे कि हम क्यों स्विच कर रहे हैं शॉर्ट पल्स की ओर. तो हम देखेंगे कि क्या है कैपेबिलिटीज ऑफ शॉर्ट पल्सेस, शॉर्ट पल्सेस की क्या कैपेबिलिटीज है. ठीक है, देखिए पहली जो है कि इट इम्प्रूव्स रेंज रिजोल्यूशन. जो रेंज रिजोल्यूशन होता है उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, कौन, शॉर्ट पल्स. अगर आप शॉर्ट पल्स यूज कर रहे हैं तो नो डाउट जो रडार का रेंज रिजोल्यूशन होगा डेट विल बी इम्प्रूव्स. ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई पल्स है, ऐसे पल्सेज रही होंगी कोई, ठीक है, ऐसे पल्सेज रही होंगी, तो ये आपको हम कहेंगे कि ये लॉन्ग पल्स है. किसके रिफरेंस में, इसके रिफरेंस में जो मैंने पल्सेस यहाँ पे बनाई है, जो यहाँ पल्सेस मैंने बनाई है, इनके रिफरेंस में ये लॉन्ग पल्सेस है. तो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक रही होगी, कोई ना कोई ऐसे माध्यम रहा होगा, जरिया रहा होगा, जिसके थ्रू हम इन पल्सेस को, जो इसकी विथ जो है वो है टाउ, टाउ विथ को हम रिड्यूस करके इसके बराबर ले आए, ये शॉर्ट पल्स हो गया. ठीक है, तो क्या होता है, एक्चुअली हमें पता है रिलेशनशिप b इज इक्वल्स टू 1 बाई टाउ होता है. जो बैंडविथ होती है पल्स की वो पल्स विथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि मतलब अगर टाउ आपका कम होगा, अगर आपका टाउ कम होता है, टाउ कम होने पे जो बैंडविथ आपकी होगी डेट विल बी मोर. ठीक है, और ऐसा केस किस में बनता है, शॉर्ट पल्सेस के केस में बनता है, क्योंकि यहाँ पे टाउ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और आपका जो बैंडविथ होता है वो बैंडविथ क्या, इंक्रीज हो जाता है. और अगर आपका जो टाउ है वो ज़्यादा है तो उस केस में जो बैंडविथ होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा. मतलब ये रिलेशनशिप जो है ये हमें बताती है कि अगर पल्स की विथ कम है तो बैंडविथ ज़्यादा है, अगर पल्स की विथ जो है वो ज़्यादा है तो बैंडविथ नो टर्न कम है. ठीक है, तो क्या होता है कि जब बैंडविथ इंक्रीज करता है, व्हेन बैंडविथ इज इंक्रीज इन शॉर्ट पल्स द रिजोल्यूशन विल बी बेटर.
क्यों? क्योंकि जो गैप हो जाता है इन पल्सेस के बीच में, जो गैप हो जाता है, वो गैप जो डिस्टेंस क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वो गैप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रेन सेल में वो पल्सेस के बीच का गैप बढ़ना, सफिशियंट डिस्टेंस हो जाना दो पल्सेस के बीच में, जिससे कि वो ओवरलैप ना हो, उसकी वजह से जो रेंज रिजोल्यूशन क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम पल्स की विड्थ को रिड्यूस कर देते हैं, तो रेंज सेल में इनको क्लैरिफाई करना, जो पल्सेस होती हैं उनको क्लैरिफाई करना हमें क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में हम चेंज करते हैं तो स्प्रेड होती हैं, जो पल्सेस होती है वो स्प्रेड होती हैं। तो पल्सेस स्प्रेड होने पे कहीं ओवरलैप ना कर जाएं, इस वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम चाहते हैं वो सेपरेशन ज़्यादा हो। और वो सेपरेशन कब ज़्यादा होता है, जब हम शॉर्ट पल्सेस को यूज़ करते हैं, तो उसी को कहते हैं कि रेंज रिजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कि रेडार कैपेबल ऑफ गुड रेंज रिजोल्यूशन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ गुड रेंज एक्यूरेसी। मतलब अगर रेडार जो है, अगर जो उसका रेंज रिजोल्यूशन है वो अगर बेटर है, रडार का रेंज रिजोल्यूशन बेटर है, तो जो रेंज की एक्यूरेसी होगी डेट विल ऑल्सो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो हाई रेंज रिजोल्यूशन पे क्या होता है, रेंज की एक्यूरेसी क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स किसके बनते हैं, ये सारे फीचर्स बनते हैं आपके शॉर्ट पल्सेस को लेके। फिर तीसरा जो फीचर बनता है वो कहता है कि क्लटर रिडक्शन क्या होता है। तो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है आपका क्लटर, वो होता है आपका क्लटर रिडक्शन, वो होता है आपका क्लटर रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो क्लटर मैग्नीट्यूड्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द शॉर्ट पल्सेस। मैंने जैसे बोला कि जब हम लॉन्ग पल्सेस को है कंप्रेस किए किसी भी टेक्निक के थ्रू शॉर्ट पल्सेस में, तो पल्सेस के बीच के जो डिस्टेंस वो बढ़ गई, जो पल्सेस के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, उसकी वजह से जो क्लटर्स के मैग्नीट्यूड होते हैं उनको हम सेपरेट कर पाते हैं, किसके मैग्नीट्यूड के, मैसेज सिग्नल या जो आपका इको सिग्नल का मैग्नीट्यूड होता है इससे। मतलब अगर आपका क्लटर है और यहाँ पे मैसेज है, तो दोनों को हम सेपरेट आउट कर पाएंगे, ठीक है, कैसे, जब शॉर्ट पल्सेस का हम यूज़ करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं क्लटर रिडक्शन। क्योंकि अगर आप क्लटर को, जो अनवांटेड पार्ट है, उसको अगर आप सेपरेट आउट कर पा रहे हैं वांटेड पार्ट में से, तो उसी को हम कहते हैं कि क्लटर रिडक्शन, ठीक है। फिर फोर्थ जो आपका पॉइंट बनता है, दैट इज मल्टीपाथ रिजोल्यूशन। वॉट इट इज मल्टीपाथ रिजोल्यूशन क्या है, एक्चुअली क्या है कि द रेंज रिजोल्यूशन परमिट्स द सेपरेशन ऑफ डिजायर टारगेट इको। जो हमारा रडार सिस्टम होता है उसके रिसीवर पे डिफरेंट इकोज रिसीव्ड होते हैं, उनमें से जो हमारा डिजायरेबल है, जो डिजायरेबल टारगेट इको है, उनको अगर हमें सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए रेंज रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए। रेंज रिजोल्यूशन वेवफॉर्म्स का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज हमने ऐसे पल्सेस ड्रॉ किया। अब इन पल्सेस के बीच का सेपरेशन क्या है, वाइड है, दो पल्सेस के बीच में सेपरेशन वाइड है। तो जब व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम वन डोमेन टू अदर डोमेन, वी डू मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो जैसे हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, और क्यों करते हैं, ये सब फोरियर ट्रांसफॉर्म्स में आपने पढ़ा ही है कि क्या एडवांटेज होता है उनके कन्वर्जन का। तो जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो वही मैंने जो पहले बताया कि जो आपकी पल्सेज होती हैं दे आर स्प्रेड आउट, वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं। ये स्प्रेड कब होती है, जब आप कन्वर्जन करते हैं, कहां से, वन डोमेन से अदर डोमेन में, टाइम टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टू टाइम, किसी में भी। तो जब हम किसी भी डोमेन में, एक डोमेन से दूसरे डोमेन में चेंज करते हैं टाइम से सिग्नल को, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में, तो पल्सेस क्या होती है, स्प्रेड हो जाती हैं। तो पल्सेस स्प्रेड होने की वजह से वो कहीं ओवरलैप ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए,
वो क्यों ओवरलैपिंग की कंडीशन क्यों आ रही है, क्योंकि मल्टीपाथ की बात कर रहा है। जो इको सिग्नल्स आएंगे वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इको सिग्नल्स आएंगे, क्योंकि कुछ डायरेक्ट आ जाएंगे, कुछ मल्टीपाथ फॉलो करते हुए आएंगे। तो मल्टीपाथ फॉलो करते हुए अगर आ रहे हैं तो जो रिसीवर पे एक साथ सब रिसीव हो रहे हैं या कुछ समय बाद आ रहे हैं तो वो एक दूसरे से ओवरलैप हो सकते हैं। तो ओवरलैप ना हो इसकी वजह से हम चाहते हैं क्या कि शॉर्ट पल्सेस को यूज करें। जैसे लेट सपोज कि दो टारगेट हैं, ठीक है, रिसीवर पे एट अ टाइम दोनों की वजह से इको सिग्नल्स आ रहे हैं, दो टारगेट मान लेते हैं हम, और दोनों की वजह से एट अ टाइम जो है वो हमारे पास इको सिग्नल्स आ रहे हैं। अब हम कैसे स्प्रेड आउट करेंगे, कैसे स्प्रेड आउट करेंगे टारगेट T1 को टारगेट T2 से कैसे स्प्रेड आउट करेंगे। तो इसमें हम ये हमारे लिए अगर हमें इसको यूज करना है, दोनों को सेपरेट आउट करना है, डिफ्रेंशिएट कर सके, तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, शॉर्ट पल्सेस हमें यूज करना होगा। हम चाहेंगे कि शॉर्ट पल्सेस यूज करें, कि शॉर्ट पल्सेस की वजह से पल्सेस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हमें डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा, ठीक है। फिर आपका जो फिफ्थ पॉइंट होता है डेट इज टारगेट क्लासिफिकेशन। जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो होता है आपका टारगेट क्लासिफिकेशन। दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट पल्सेस। क्या होता है कि नाउ वी विल नो डैट टारगेट क्लासिफिकेशन में हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि टारगेट को कैसे हम क्लासिफाई किए। उसी के पार्ट का कंक्लूजन, जो कंक्लूजन मैंने दिया यहाँ पे, कि जैसे जैसे इको सिग्नल्स हमारे पास आएंगे डिफरेंट डिफरेंट T1 और T2, ये टारगेट क्लासिफिकेशन के लिए ही था। ये जो ऊपर मैंने समझाया था कि दो टारगेट है अगर उनकी वजह से जो इको सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं एट अ टाइम में, तो वो कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो पाएंगे, वो होंगे शॉर्ट पल्सेस का यूज करके, उसी को बोलते हैं टारगेट क्लासिफिकेशन। तो ये सारी जो चीज़ें थी, दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट पल्सेस। तो अब हम जानेंगे कि वाई वी आर इन नीड ऑफ, कि हम शॉर्ट पल्सेस जो हैं हमें क्यों जरूरत पड़ती है शॉर्ट पल्सेस की, क्या हमारा लॉन्ग पल्सेस से बात नहीं बन पा रही थी, तो वही हम जानेंगे। देखिए क्या होता है कि शॉर्ट रेंज पल्सेस हैव हाई पीक पावर डेट कैन बी प्रोपगेटेड विदाउट ब्रेकडाउन इन द यूजुअल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे पास शॉर्ट पल्सेज होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पीक पावर क्या होता है, अधिक होता है। पीक पावर अधिक होने की वजह से वो क्या होता है कि वो बिना ब्रेकडाउन के ट्रांसमिशन लाइन पर ट्रेवल हो जाती है। आपको पता है कि जब ट्रांसमीटर से वेव्स जाती हैं तो इनका टारगेट अगर काफ़ी दूर है, रेंज हाई है, तो उनका ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं। ब्रेकडाउन होने के चांसेस कब होगा, जब हम यूज़ करेंगे लॉन्ग पल्सेस। अगर शॉर्ट पल्सेस यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्रेकडाउन की संभावनाएं नहीं होती हैं, और ब्रेकडाउन ना हो इसी वजह से कहीं कहीं हम यूज़ करते हैं रिपीटर्स, हमने ये पढ़ रखा है, कहीं कहीं हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं कि वो ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। इसको हम नॉर्मली हम समझेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज एक मैंने केस लिया टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकेंड, ठीक है, और हमने पीटी लिया हमने 1 माइक्रोवाट, फिर हमने एनर्जी लिया 1 जूल, फिर एक केस इधर ले लेते हैं टाउ इक्वल्स टू लेते हैं 1 नैनोसेकेंड, फिर ले लेते हैं पीटी इक्वल्स टू 1 गीगावाट, फिर ले लेते हैं ई इज इक्वल्स टू 1 जूल, यहाँ रिजोल्यूशन ले लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं 150 मीटर, फिर यहाँ रिजोल्यूशन ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं एक में पल्स की विथ जो है 1 माइक्रोसेकेंड है, एक में पल्स की विथ है 1 नैनोसेकेंड है, यहाँ ट्रांसमिटेड पावर देख रहे हैं 1 मेगावाट है, यहाँ ट्रांसमिटेड पावर देख रहे हैं 1 गीगावाट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देख रहे हैं 1 जूल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 जूल है। तो ये दोनों केस अलग अलग हैं। ये आपका जो केस है वो है लॉन्ग पल्स के सेंस में, और ये केस है आपका सेकंड वाला केस है, ये है शॉर्ट पल्स के केस में। तो जो ये केस है वो लॉन्ग पल्स के केस में है, और जो ये वाला केस है वो शॉर्ट पल्स का केस है। नैनो सेकंड है कम विथ इसकी, माइक्रोसेकंड है ज़्यादा है विथ इसकी। हम देखते हैं कि दोनों पल्सेज में जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, रिजोल्यूशन यहाँ 150 मीटर का होता है, रिजोल्यूशन यहाँ 15 सेंटीमीटर का होता है। तो हम क्या देखते हैं कि एट टाउ इज इक्वल्स टू 1 नैनोसेकेंड, 1 नैनोसेकेंड पे जो पीक पावर है, पीक पावर कितना है 1 गीगावाट है। अब अगर हम टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकेंड्स पे देखें तो जो पीक पावर है आपका वो डेट इज 1 मेगावाट है। तो यहाँ हम इन दोनों केस में जो हम देखते हैं कि जो आपकी एनर्जीज हैं, एनर्जीज आर सेम, एनर्जीज आपकी क्या सेम है, देखिए यहाँ 1 जूल और यहाँ 1 जूल। तो हम देखते हैं कि जब पल्स की विथ 1 नैनोसेकंड होता है तो पी पावर 1 गीगावाट होता है, जब पल्स की विथ 1 माइक्रोसेकंड होता है तो पीक पावर जो होता है 1 मेगावाट होता है। मतलब अगर विथ बढ़ती है तो पीक पावर कम है,
वीक अगर जो विथ अगर कम है तो पीक पावर ज़्यादा है, दोनों के डिफरेंस में। तो हम क्या देखते हैं, व्हेन टाउ इज मोर, व्हेन टाउ इज मोर पीपी इज व्हेन, ठीक है, पीपी इज लेस, व्हेन टाउ इज लेस पीपी इज मोर, मतलब उल्टा केस है, विथ अगर कम है तो पीक पावर ज़्यादा है, विथ अगर ज़्यादा है तो पीक पावर कम है, ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि जब रिजोल्यूशन की बात करते हैं, व्हेन रिजोल्यूशन के बाद में बात करते हैं, टाउ अगर कम है तो रिजोल्यूशन क्या है आपका, गुड है, और जब टाउ आपका ज़्यादा है तो रिजोल्यूशन बैड है। ये दो केस हम देख रहे हैं, साथ में पीपी आपका ज़्यादा है, इसमें पीपी आपका कम है। यहाँ हम क्या दो केस देखते हैं कि जब आपका टाउ कम है तो रिजोल्यूशन गुड है, जब आपका टाउ कम है रिजोल्यूशन गुड है, रिजोल्यूशन की कम वैल्यू मतलब कि इतना, जैसे हम स्केलिंग करते हैं, जैसे टारगेट को जब हम रडार जब उसके डिस्प्ले पे हम एनालाइज करते हैं सिग्नल को, तो हम जो भी टारगेट्स होते हैं उनके बीच की दूरी को रिजोल्यूशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब दो टारगेट हैं, अगर मान लीजिए दो टारगेट ऐसे कहीं बने हुए हैं, दो टारगेट ऐसे कहीं बने हुए हैं, तो इनके बीच में अगर एक केस है कि 15 सेंटीमीटर है और एक टारगेट ऐसे बना हुआ है, एक टारगेट ऐसे बना हुआ है, इनके बीच की जो दूरी है 150 मीटर है, तो अगर हम दोनों अगर हम डिस्प्ले पे देखें तो हम दोनों केस में हम देखेंगे, फर्स्ट केस ये और दूसरा केस ये, आपके अगर हमको रिजोल्यूशन में बोलना होगा तो मैं बोलूँगा रिजोल्यूशन इसकी हाई है। रिजोल्यूशन हाई मतलब कि टारगेट इतने क्लोज होने पर भी उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा जो आपका रडार है, ठीक है, और इसमें क्या है, इतनी दूरी होने पे ही वो डिफरेंशिएट कर पाएगा, इससे कम होगी दूरी तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो इस वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, रिजोल्यूशन की वैल्यू जो है कम है, इस वजह से हम कहेंगे यहाँ के केस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसकी जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, हाई है, ठीक है, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब टाऊ कम होता है तो आर आपका गुड होता है, पर उसी दौरान जो पीक पावर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब टाऊ आपका ज़्यादा होता है तो रिजोल्यूशन बैड होता है, और उसी दौरान पीक पावर कम होता है। तो जो पीक पावर ज़्यादा या पीक पावर, ये तो हमें पता है कि रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन मतलब अगर इतने क्लोज भी अगर टारगेट है तो भी उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, और इतनी दूरी है पे है तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, उससे ज़्यादा पे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, उससे कम की दूरी पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो हम बोले कि पहला ये सही है। तो हमने देखा कि जब टाउ आपका कम था तो आर गुड था, और क्या रिलेशनशिप है टाउ और आर का। अब साथ में हम देखते हैं जो पीक पावर की बात कर रहे हैं कि पीक पावर जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है, पीक पावर कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो क्या मतलब है। कहते हैं कि जब पीक पावर ज़्यादा होती है, व्हेन पीक पावर इज मोर देन वाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ पल्सेस इन द ट्रांसमिशन पाथ पल्स ब्रेक्स डाउन हो जाती हैं, ठीक है, जो पल्सेस होती हैं कि अगर हम कहते हैं कि अगर लेट सपोज जो अगर हम कहते हैं अगर लेट सपोज जो हमारा पीक पावर है, अगर पीक पावर आपका हाई है, ये दो केस हम लेते हैं और यहाँ केस ले लेते हैं, पीक पावर जो है आपका लो है। हम कहते हैं पीक पावर एक केस में हाई है, एक केस में पीक पावर लो है, तो पीक पावर अगर आपका जो पीपी हम बात कर रहे थे, जो पीक पावर अगर आपका हाई होता है, इसकी वजह से जो पल्सेस होती हैं वो पल्सेस क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, और पीक पावर के केस में पल्सेस आरंट ब्रेक, पल्सेस ब्रेक नहीं होती हैं। पल्सेस ब्रेक मतलब कि जो पल्सेस हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कहीं बीच में ब्रेक ना हो, जिससे हमारा ट्रांसमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो। तो पल्सेस ब्रेक अगर होने लगती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसी के लिए मैंने बताया था, उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं रिपीटर्स, उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पल्सेस ब्रेक ना हो, तो पल्सेस ब्रेक ना हो तो उसके लिए हमने पीक पावर क्या करना होगा, लो रखना होगा, और पीक पावर अगर आपको लो रखना है तो आप देखिए पीक पावर लो किस में है आपके, ठीक है, तो वो है शॉर्ट पल्सेस में, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि पीक पावर अगर कम हो तो हमारे लिए वो बेस्ट होगा। अब देखिए हम देखते हैं कि पीक पावर कम तो आपका लॉन्ग पल्स वाले केस में है, और इस केस में पीक पावर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे विथ कम है, रिजोल्यूशन हाई है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों में कुछ डिफ्रेंशिएट देख पा रहे हैं। जब लॉन्ग पल्सेस की बात कर रहे हैं तो उसमें विथ कम है लेकिन पीक पावर भी कम है, एनर्जी ठीक है पर रिजोल्यूशन भी कम है। यहाँ पे हमारा जो टाऊ है, इस केस में जो पल्स की विथ है वो कम है लेकिन पीक पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोनों में कहीं ना कहीं कुछ जो हमारे फीचर्स हैं वो हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या होता है
कि शॉर्ट पल्सेज हैव वाइड स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ एज वी ऑल नो दैट. तो जो एसपीयू टेकन इनटू कंसिडरेशन इट माइट इंक्रीज द रिजोल्यूशन, कि अगर हम शॉर्ट पल्सेज लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा रिजोल्यूशन है वो रिजोल्यूशन क्या होता है बढ़ जाता है, लेकिन बैंडविड्थ जो होती है वो कहीं ज़्यादा लार्ज हो जाती है. तो अगर बैंडविड्थ हमारी कहीं ना, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पल्सेज की, अगर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट पल्सेज की, शॉर्ट पल्सेज मतलब टाउ क्या है कम है, टाउ अगर कम है तो इन टर्न जो बैंडविड्थ होगी वो बड़ी हो जाएगी. तो बैंडविड्थ ज़्यादा होने का जो आपकी ये बैंडविड्थ है, जो आपकी बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ लार्ज हो जाने पे क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एंड व्हेन आवर सिस्टम बिकम्स कॉम्प्लेक्स वी आर इन नीड ऑफ यूजिंग मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, फॉर द सिग्नल प्रोसेसिंग. तो अगर बैंडविड्थ लार्ज जाता है तो जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. कंपोनेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है. हमें ज़्यादा कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है सिग्नल को, जो आपका सिग्नल होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, सिग्नल के प्रोसेसिंग के लिए हमें ज़्यादा कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो हम कहते हैं कि अब देखिए, तो हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें कंक्लूजन जो है आपका, कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब ये हमने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल में हमने जो देखा था कि जब आपका टाऊ ज़्यादा था उस दौरान पीक पावर कम था, एनर्जी सेम थी, रिजोल्यूशन कुछ ये था. हमारा जब टाऊ की विथ कम थी तो पीक पावर ज़्यादा था, रिजोल्यूशन आपका जो है बेस्ट था. तो रिजोल्यूशन ही हम देख रहे हैं, तो रिजोल्यूशन के दौरान शॉर्ट पल्सेस में रिजोल्यूशन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन पीक पावर क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है. तो हम देख रहे हैं कुछ फीचर आपका इसमें हमें मिल रहा है, कुछ फीचर ये हमें चाहिए होगा, ठीक है, जैसे पीक पावर वाले सेंस में कि वो आपका ब्रेकडाउन ना हो. तो हमें जो है, हमें क्या है, फीचर्स जो रिक्वायर्ड हो रहे हैं, फीचर्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं वो दोनों के हो रहे हैं, लॉन्ग पल्सेस की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है और शॉर्ट पल्सेस के फीचर्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है. तो हम इसके लिए क्या करें, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो हम करते हैं लॉन्ग पल्सेस. दिस इज वाइल्ड ट्रांसमिशन. वाइल्ड ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के दौरान जो है हम करते हैं लॉन्ग पल्सेस का ट्रांसमिशन. और वाइल रिसीविंग, जब रिसीवर सेक्शन में हम बात करते हैं वाइल रिसीविंग, तो हम करते हैं शॉर्ट पल्सेस की बात, क्योंकि शॉर्ट पल्सेस की हमने फीचर्स आपको बता दिया. तो जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हुआ होता है उसी सिग्नल, ट्रांसमिटेड सिग्नल को हम क्या करते हैं, पल्स कंप्रेशन टेक्निक के थ्रू कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस होने की वजह से वो आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट पल्स हो जाता है. तो जब लॉन्ग पल्सेस जो हमारी ट्रेवल की रहती हैं, उन लॉन्ग पल्सेस के क्रॉसवर्डिंग पीक पावर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हमने देखा था लॉन्ग पल्सेस के दौरान पीक पावर क्या था, कम था. और हमें पीक पावर कम रखना होगा कब, जब हमें ट्रांसमिशन करना हो, क्योंकि पल्सेज हमारी ब्रेक ना हो. अब जब पल्सेज हमारी वापस रिसीवर सेक्शन पे आएंगी और उनकी एनालिसिस हमें करना हो, तो एनालिसिस के लिए हमें किसको प्रेफरेंस देना है, शॉर्ट पल्सेस को देना है. क्यों, क्योंकि शॉर्ट पल्सेस में हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी. तो हम उन्हीं पल्सेस को हम क्या करते हैं, कंप्रेशन टेक्निक्स के थ्रू क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं. कंप्रेस होने की वजह से अब आपके, देखिए ये आपका जो सिग्नल की बात करते हैं, ये हम बात करते हैं रिसीवर सेक्शन पे, और ये वाले सिग्नल की जो हम बात करते हैं इसको हम बात करते हैं ट्रांसमीटर सेक्शन पे. तो कहीं ना कहीं जो आपकी पल्सेज आती हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं. और उसी को इस ब्लॉक डायग्राम में बताया गया था कि यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर सेक्शन वही था, रिसीवर सेक्शन पे आता और यहाँ पल्स कंप्रेशन फिल्टर लग जाता है, वही क्या करता है, उन्हीं लॉन्ग पल्सेस को कंप्रेस कर सकता है. और उसी को कहते हैं कि पल्स कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ वाइड पल्स, मतलब लॉन्ग पल्स हमने ट्रांसमिट किया, वाइड ट्रांसमिटिंग, एंड प्रोसेसिंग इट टू अ नैरो पल्स. द ट्रांसमिटेड पल्स इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड पल्स एंड द प्रोसेस्ड पल्स इज कॉल्ड कंप्रेस्ड पल्स. तो जो हमारी रिक्वायरमेंट बनती है वो रिक्वायरमेंट हमारी पल्सेस के करस्पॉन्डिंग वो हमारी पूरी हो जाती है. कैसे, बाय दिस पल्स कंप्रेशन टेक्निक. ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.